ये बैंक टेलीकॉलर टिकट कलेक्टर केसियर डेटा एंट्री अब ये आपका वेटर कुकर आप हाथों से जॉब कर रहे हो आप हाथों से कर रहे हो आप पैरों से जॉब कर रहे हो। मामला खत्म, गेम खत्म, डिसमिस। आपकी भी जॉब गई हो जी, अब जॉब गई। अब पिछले 50 साल में हमारा देश नहीं जितना बदला उससे ज्यादा पिछले 2 साल में बदल गया और आने वाले 5 साल में इतना बदल जाएगा। अब 99% जॉब्स AI रिप्लेस कर देगा। हाँ जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, डिसमिस, गेम खत्म। अब पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स ने सब कुछ सारा का सारा चेंज कर दिया है। आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा हूं राजस्थान की। अब राजस्थान में बड़े-बड़े रेस्टोरेंट चलते हैं, पहले वहां पे बहुत सारे वेटर काम करते थे, बहुत सारे वेटर, नौकर, चाकर, अब बहुत सारे कुक भी हुआ करते थे, लेकिन सब कुछ डिसमिस, सारे का सारा इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। वहां पे वेटर की जगह है अब डाइनिंग टेबल पे ट्रेन लगा दी आजकल। हाँ जी, ट्रेन चल रही है, ट्रेन ही अब किचन से खाना लेकर आ रही है, अपने ऊपर रख के चलती हुई आ रही है और कस्टमर को मजा भी आ रहा है। भैया ट्रेन वाला रेस्टोरेंट, हाँ जी ट्रेन वाला रेस्टोरेंट, और ऊपर से खाना खा रहे हैं और रेस्टोरेंट सारे के सारे ये ला रहे हैं। भैया वेटर का काम ही खत्म, अब उसकी जगह भी ट्रेन लगा रहे हैं। हाँ जी, ट्रेन लगवा रहे हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर लोग, वेटर की जॉब बिल्कुल खत्म कर दी है। अब जो वो कुक होता है क्या करता है, कभी कभी नशे के अंदर वो अब थोड़ा ज्यादा नमक डाल देता है, कम मिर्ची डाल देता है। आजकल रेस्टोरेंट वालों ने सोचा बहुत पैसे मांग रहा है, ऐसा करता हूँ 1 लाख रुपए लगाता हूँ और रोबोट ले आता हूँ, भैया एकदम सही मिर्ची डालेगा, सही धनिया डालेगा और खाना भी नहीं खाएगा वो, और चखेगा भी नहीं हमारा बादाम कैसा है, मीठा है कि नहीं है, और सारा का सारा गेम चेंज कर दिया, पूरा इंडस्ट्री बदल के रख दिया। वैसे तो जॉब्स तो बहुत सारी जा रही है। अब करियर ऑप्शन क्या, वैसे व्हाट इज द करियर ऑप्शन? हाँ जी भैया, करियर ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। आप जो हेल्थ केयर में चले जाओ, हाँ जी फार्मा टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, अब डॉक्टरी, इसके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। नॉर्मल जॉब्स जा रही है, वैसे हर इंडस्ट्री के अंदर नॉर्मल जॉब्स जा रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने अब डिक्लेयर कर दिया, भैया हम तो इतने लोगों को निकालने वाले हैं, ये काम हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है, रोबोटिक्स कर सकता है। हॉस्पिटल्स के अंदर क्या होता था, इतने दिनों तक आप मेडिसिन के लिए वो नर्स आया करती थी, हाँ जी भैया मेडिसिन ले लो, ये लो मेडिसिन, आपकी ये दवाई है, अब ये खा लो, अब नहीं, अब रोबोट आ रहे हैं। अब हमारे देश में आज तक ने क्या किया, AI एंकर चला दिए हैं। आप लोगों ने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन, आर्टिफिशियल का एक ह्यूमन टाइप एंकर, आप सभी को पता भी नहीं होगा कि गोरी गोरी मैम है कौन है, हाँ जी कौन है ये सुंदरी जो हमको ये खबरें दे रही है, और वो कोई ह्यूमन नहीं है, वो है आर्टिफिशियल और रोबोटिक्स का कॉम्बिनेशन और एक ऐसा मशीन जो कि ह्यूमन की तरह काम कर रहा है। हाँ जी ह्यूमन की तरह काम कर रहा है, हमारे घरों के अंदर भी आने वाले 10 साल के अंदर वैसा वैसा हो रहा होगा, उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा आप लोगों के पास। अब लेकिन हम क्या करना पड़ेगा, हाँ जी भैया हम क्या करें, हमारे पास क्या ऑप्शन है, फ्यूचर में क्या ऑप्शन रहेंगे, आने वाले 10 साल बाद कौन सी नौकरी रहेगी, 15 साल बाद कौन सी नौकरी रहेगी। वैसे थोड़ा अपना थोड़ा प्रचार कर देता हूं, हां जी थोड़ा प्रमोशन कर देता हूं। वैसे देखो 10 साल बाद कौन सी नौकरी रहेगी, अभी आपको क्या करना चाहिए, अब क्या नहीं करना चाहिए, हां जी आप लोगों के पास कौन कौन से बेस्ट करियर ऑप्शंस हैं, वो हमारा आपके लिए एक स्पेशल अभी बॉन्डेड कोर्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके अंदर जाके अभी एनरोल करो, डिस्काउंट के अंदर प्राइस चल रहा है। दुनिया का पहला ऐसा लाइव केस स्टडी बेस, पूरे 3 साल की रिसर्च के बाद हमने आप लोगों के लिए बनाया है, आप लोगों के लिए क्या ऑप्शन बेस्ट हो सकता है। जी भैया फ्यूचर में कौन कौन सी नौकरी रहेगी, अब ये जो डेटा साइंस का क्या स्कोप रहने वाला है, हाँ जी भैया एविएशन सेक्टर, ड्रोन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा चेंजेस लाने वाली है, आप इसमें करियर कैसे बना सकते हैं। जी भैया एविएशन सेक्टर, हाँ जी एविएशन सेक्टर, अब जो जैसे हमारी गाड़ियां कंट्रोल होती है, जी भैया ये जो ड्राइवर जो रहता है, अब आप लोगों को जो चालान काटता है पुलिस वाला, हाँ जी ट्रैफिक पुलिस, ये ड्रोन के लिए तो कोई नियम नहीं है। फ्यूचर के अंदर अभी हमारी गाड़ियां सड़क पे चलती है, आसमान में भी चलेगी, उसके लिए नए नए रूल आएंगे, नई नई नौकरियां क्रिएट होगी। वैसे अगर नौकरी बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है, बहुत ज्यादा नौकरियां क्रिएट हो रही है, हमारा गवर्नमेंट जो मोदी जी है वो बहुत सारी जॉब्स निकाल रहे हैं। अब क्या हो रहा है, सेमी कंडक्टर की चिप्स लगाई जा रही है देश के अंदर, अब लेकिन काम करने वाले है ही नहीं, हाँ जी काम करने वाले लोग ही नहीं है, देश को
को आज 1 लाख से ज्यादा वर्कर चाहिए जो कि सेमीकंडक्टर चिप्स प्रोड्यूस कर सके, फैक्ट्रीज में काम कर सके। लेकिन सच्चाई है कि देश के अंदर आज सिर्फ 8,500 लोग कैपेबल है, उनके पास स्किल है, और लोगों के पास स्किल नहीं है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो स्किल पे काम करना पड़ेगा। अब कुछ डिपार्टमेंट डिस्कस करते हैं जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है। हाँ जी, अब हेल्थ केयर में आप जा सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बढ़ने वाला है। अब उसके बाद में अब डिजिटल मार्केटिंग, हाँ जी सारा का सारा बिजनेस आजकल ऑनलाइन चल रहा है। इंस्टाग्राम पे एड तो आपने देखते होंगे, यूट्यूब पे आज आपने एड देखे होंगे, वो होता है डिजिटल मार्केटिंग। आप मेरे से भी सीख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग, एकदम बहुत अच्छे सिखाता हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। अब उसके बाद में रोबोटिक्स इंजीनियरिंग बहुत बढ़ रहा है भाई आजकल, रोबोट बहुत आ रहा है जीवन के अंदर। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, क्या स्कोप है फ्यूचर के अंदर, कोई बात नहीं, सब कुछ वैसे तुम आपके लिए बताते हैं एकदम आसान भाषा के अंदर जो आपको समझ आ जाए। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा सकते हो। ये प्रमोटिंग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है भैया। ये प्रमोट इंजीनियर क्या होता है, आपको किसी को भी कुछ भी पूछने के लिए इसको समझाना पड़ता है। हाँ जी भैया, ये जो मशीनें होते हैं इसको समझाने के लिए उसको संकेत देना पड़ता है, उसको इनपुट देना पड़ता है, तभी वो आउटपुट ठीक से दे पाएगी। उसको बोलते हैं प्रमोटिंग। हाँ जी, प्रमोटिंग मशीन को सही लैंग्वेज में समझाना, दिस इज कॉल्ड प्रमोटिंग। और ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन सकता है, इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हो। जो भी एविएशन सेक्टर, एविएशन में क्या क्या होता है, आप पायलट होता है आपका, एमई होता है आपका, एरोस्पेस होता है आपका, ड्रोन टेक्नोलॉजी होता है आपका, अब और भी बहुत सारी एयरलाइन इंडस्ट्री में बहुत सारी जॉब्स होती है। अब वैसे इसके लिए तो हमारा पूरा आपको कंप्लीट गाइड कोर्स मिल जाएगा, आप वहाँ पे जरूर से जाके इनरोल कर सकते हो। फ्यूचर के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है तो वो है आपका एविएशन सेक्टर। देश के अंदर 3,000 फ्लाइट फ्लाई करती है, 3,000 फ्लाइट उड़ती है देश के अंदर हमारे इंडिया से। बहुत स्कोप है इसमें, बहुत स्कोप है वैसे। अब वैसे आने वाले फ्यूचर के अंदर ये एनिमेशन प्रोडक्शन, फिल्म इंडस्ट्री, मूवीज, वीआर टेक्नोलॉजी, देखो जो मूवीज थिएटर है वो बंद हो जाएंगे, लोगों के लिए थिएटर बनाए जाएंगे। जी भैया, मेटा सेंटर्स होंगे, आप वहां पे जाओगे और आप अपने आंखों के अंदर डिवाइस लगा के अब आप मूवीज देख पाओगे। हाँ जी भैया, वीआर सेंटर्स, आपको पर्सनल ड्रोन चलाने की, एरोप्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी आपके घरों के आसपास, आपके शहरों के अंदर, जैसे आपकी गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग हो रही है। फ्यूचर के अंदर आपके लिए एरोप्लेन और हवाई जहाज चलाने की ट्रेनिंग हो रही होगी, ड्रोन चलाने की, पर्सनल ड्रोन 2040 तक कॉमन होगा हमारे पास। वैसे बहुत सारे पर्सनल ड्रोन बना दिए आजकल तो, ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा देश आगे बढ़ रहा है। चांद पर जाने के लिए भी एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी मिसाइल, रीयूजेबल रॉकेट्स लगातार दागे जा रहे हैं, लोगों को चांद तक घुमाया जा रहा है, बहुत सारी कंपनी जहाज पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कि लोगों को लेके जा रही है चांद के ऊपर। हाँ जी भैया, आसमान के अंदर जाना तुमको जाना है, कोई बात नहीं, मैं तुमको घुमा के लाता हूँ। अब बहुत सारी कंपनीज है जो कि लेके जा रही है लोगों को, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रहा है। आप लोगों को जरूर से ध्यान देना चाहिए अपने करियर पे, भैया मैं क्या चूज कर रहा हूँ, मैं जो चूज कर रहा हूँ 4 साल बाद वो बचेगा कि नहीं बचेगा। पता चले चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओपन एआई जैसी कंपनियां हमारी जॉब खा चुकी है। आज 45% कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बेरोजगार है। क्यों, ऐसा नहीं कि जॉब नहीं है, ऐसा है कि उनके पास स्किल नहीं है। हाँ जी, और जो वो कर रहे हैं वो तो डायरेक्टली कंप्यूटर भी कर रहा है, उनको कौन जॉब देगा। मिड जर्नी जैसी ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि बहुत सारे एनिमेटर्स की जॉब का गया, ग्राफिक डिजाइनर की जॉब का गया, वेब डेवलपर की जॉब का गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब का गया। अब वैसे आप लोगों के पास और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, अब कौन सा बेस्ट कोर्स है, वैसे किसका कितना स्कोप है, कहाँ से करें, क्या नहीं करें, हमारी फील्ड में क्या क्या जॉब्स है, इसमें बहुत आगे कैसे जा सकते हैं। अब डोंट वरी कॉलेज जानकार इसका आपका कंप्लीट सॉल्यूशन करता है। आप बोर्ड लाइन नंबर पे नंबर दिया, इस पे कॉल लगाओ या फिर हमारी वेबसाइट पे विजिट करो, कंप्लीट लाइव बेस केस स्टडी आपके लिए तैयार है, एकदम दुनिया का नंबर 1 अफोर्डेबल अब काउंसलिंग प्रोग्राम चलाते हैं हम, जरूर से जाके ज्वाइन करो।